मेरी बहन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह बन के रेडी हो चुका है और सारा कुछ हो गया है। अभी जो ब्लॉग मैंने जो अभी आज ब्लॉग किया है वो मेरा थोड़ा एक दो मतलब पिछले हफ्ते का है, और मैं शादियों के ब्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो फिर मैंने वो ब्लॉग शेयर नहीं किया, कर ही नहीं पाई मतलब। और यहाँ पर मैंने अगेन आज कढ़ी बनाई है और आलू बैंगन की सब्जी रात की रखी हुई थी, तो फिर उसको ही गर्म कर दिया। मैंने कहा चलो फिर क्या वो करना, अभी मुझे किचन समेटनी है। अभी कोई भी आ जाए, आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं की है तो मुझे किचन समेटनी है। उसके बाद जो है अभी कपड़े भी छत में सूखने के लिए डालने जाना है। खाना मैंने अभी नहीं खाया है, कुछ एक केला खा लिया था और अदिति लाई थी चुइंगम, तो बस मैं वही चबाने लगी कि चलो मुझे भी दे दो थोड़ी सी। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, मैंने बहुत खाई है बचपन में। जब हम लोग खो खेलने जाया करते थे, खो खो आप जिस जिसने सुना होगा उनको पता होगा, बचपन में स्कूल टाइम में मतलब सातवीं आठवीं में होंगे तब उस टाइम खेलते थे, तो बहुत ही अच्छा होता। हम लोग जब ईसा नगर में रहते थे ना, तो वहाँ पे जो आशा रानी थी अच्छी, काफ़ी बड़ी नेता थी, अच्छे उससे थी, तो वो जो है करवाया करती थी टूर्नामेंट। और हेयर वॉश कल किए, नहीं सॉरी आज ही हेयर वॉश किए हैं, तो फोल्ड कर लिए हैं बाल, सूख तो गए हैं लेकिन फिर भी मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं ताकि थोड़े से और हो जाएं। काम वगैरह करते हुए किचन में काम करो ना तो फैल जाते हैं पूरे में, किचन में बाल गिरते हैं। तो चलो फिर मैं सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्लॉग ठीक ठाक से नहीं जा रहे हैं। अभी शादी की ब्लॉग ही आप लोगों से शेयर कर रही थी हूँ, तो अभी जो है शादी की ब्लॉग पूरे हो चुके हैं और कल जो है भारती का निमंत्रण भी किया हुआ था, तो मैंने कोई ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर मतलब बनाया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोई घर में आता है मेहमान तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने कोई भी रेसिपी कुछ भी शेयर नहीं किया। थोड़ा सा थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँगी इसी वीडियो में, थोड़ी सी ही मैंने जो है ली थी। तो चलो फिर मैं फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे जो है हम लोगों के यहाँ अदरक की पूजा हो रही थी जो कि दीदी कर रही थी, तो उन्होंने छोटी सी वीडियो क्लिप मुझे भेज दी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो है अष्टदल कमल बना लिया है और ये दोने होते हैं जो पलाश के पेड़ के दोने होते हैं, उनको रख दिया गया है। और जो है फिर इसके ऊपर गेहूँ को और चने को जो है पहले फुला दिया जाता है, उसके बाद जो है उबाल लिया जाता है, वो जो है इसमें रखे जाते हैं। इसी तरीके से इसकी पूजा होती है, कॉइन बोलते हैं इन लोगों को हम लोग, तो यहाँ पे इसी की पूजा होती है उसकी मतलब गेहूं और चने की। और आद्रा की पूजा हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है, आप लोगों के यहाँ कैसे होती है बताइएगा ज़रूर मुझे। वैसे आद्रा निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन मैंने जो है नहीं किया, अभी शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़ और घी रखा जाता है गेहूँ और चने के साथ में, इसकी पूजा होती है हमारे घर में और हवन कर लिया जाता है, आरती कर ली जाती है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यहाँ पे बस जो है पूजा दीदी करते जा रही थी, इसके बाद जो है बाकी का कुछ करेंगी मतलब जो भी होता है। तो बस यहाँ पर गुड़ चने की ही पूजा होती है हम लोगों के यहाँ हैं इसमें, तो जो है बस इसके बाद जो है आरती वगैरह कर लेंगे। तो दीदी पूजा कर रही थी जैसे कि मैंने बताया है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के यहाँ आद्रा की पूजा कैसी होती है बताइएगा ज़रूर मुझे। तो हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से जो है आद्रा की पूजा होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा हो चुकी है और घी गुड़ और ये जो गेहूँ चने होते हैं ना इनकी ही करते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई साहब हैं जो कि बड़े वाले हैं रेनॉल्ड खटवानी के, हाँ पंचवटी ढाबा के सामने जो है उसमें कंपनी में मैनेजर हैं, तो जो लोग भी गाड़ी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे भारती है मेरी छोटी वाली बहन, तो उसका मैंने निमंत्रण किया था जैसे कि मैंने बताया, तो आई हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी, बाकी का कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग जो है गाड़ी लेना चाहें तो जो लोग छतरपुर से होंगे उनको पता होगा तो वो लोग जो है ले सकते हैं, और किस्तों पर भी मिल जाती है, हर तरीके से मिल जाती है। उसके बाद जो है भारती जा रही थी तो यहाँ पर मैं उनकी गोदी डाल रही थी। फिलहाल मैंने अभी उनको साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं दी है, क्योंकि अभी वो बोल रहे थे अभी मत दो दीदी बाद में दे देना, तो बस मैंने सिर्फ गोदी डाल दी है। हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है जो भी शादी के बाद पहली बार आता है तो उसकी जो है गोदी डाल दी जाती है, तो बस यहाँ पे जो है मैं गोदी डाल रही थी। और सामने से टीवी चल रही है
अब बस भारती जाने वाली है तो मैंने कहा चलो गोदी डाल देते हैं, इसके बाद जो है फिर बाकी का वो कर देंगे, चावल मिठाई बताशा जो भी आप लोगों के पास होता है, चूड़ी बिंदी तो कुछ भी अभी मतलब जो भी हमारे पास होता है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है, उसके बाद जो है 5 बार चावल डालने पड़ते हैं जो जिस प्लेट से हम डालते हैं उसको वापस, तो यहाँ पे जो है उसने डाल दिए हैं और फिर बस मैंने जो है पैर छू लिए उसके और अब जो है वो चली जाएगी। तो चलो फिर वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर आप लोग। सो फैमिली मॉर्निंग से सीधा मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, तो मेरा सारा काम हो चुका है, निपट चुका है ऑलमोस्ट। मुझे शाम को झाड़ू बस लगानी है अभी और थोड़े से बर्तन हैं लोगों के खाने को, लिपस्टिक वगैरह बिल्कुल रिमूव कर दी थी मैंने क्योंकि मैं दोपहर में सोती रही काफ़ी ज़्यादा और 2 दिन से रात में नींद नहीं आ रही है। कल भारती का खाना किया था और अब चली जाएगी ससुराल, तो अभी आए तो ज़्यादा दिन नहीं, वो कह रही थी दीदी अभी रुके तो मुझे 1 हफ्ते भी नहीं हुआ ठीक से, फिर से ससुराल जाना है, मतलब होता ही लड़कियों का शादी हो गई तो फिर ससुराल ससुराल। खैर उनके वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला है कुछ दिन के लिए भेज दो फिर वापस से भेज देंगे, फिर रक्षाबंधन बाद चली जाना, क्योंकि भारतीय घर में सबसे छोटी है तो थोड़ी सी ज़्यादा लाड़ प्यार से वो थी, इसलिए अब जाएगी ससुराल, देखते हैं कब जाती है और फिर आएगी कितने दिन बाद आएगी। जब आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बेटियाँ तो होती ही हैं ससुराल के लिए, है ना। तो चलो फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।